ज्वाइन हो गए ना। ये मेरा भी आज ऐसे ही बंद हो, वो कनेक्ट हो गया। मैं अपना ऑन करूं? हेलो तेरे से हुआ है। हेलो हेलो, सर, क्लियर है? वॉइस क्लियर है? सनी, अनुजा, कुछ नहीं? कि फिर से बंद हो गई? फिर से बंद हो गया? देखना, अपने आप हट गया ना। ऑटोमेटिक है ना, चेक बॉक्स में क्लिक करते। आज मेरा भी डिस्टर्ब हुआ। हेलो, हेलो नील, आवाज आ रही है? यस सर, ओके, कहाँ पर? लास्ट टाइम हमने लास्ट कहाँ तक क्लियर था? साउंड क्लियर था कहाँ तक? सर टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रहे थे सर आप। ओके, डेटा कन्वर्जन एलिमेंट हो गया था, डेटा मैनिपुलेशन एलिमेंट। मुस्कान, सर स्क्रीन शेयर नहीं हुई सर अभी। ओके, हेलो, अब शो हो रही है स्क्रीन नील? यस सर, ओके, तो डेटा मैनिपुलेशन एलिमेंट कंप्लीट हो गया था। एक बार नो सर, अगेन ना नो, एक है। ये सर तो ये चल स्क्रीन रहा शो नहीं हो था। रही? ओके, हमें स्क्रीन शो हो रही है सनी, इसलिए कुछ नेटवर्क इशू था, इस वजह से डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, फर्स्ट चलो हम टॉपिक फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, बेसिकली प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट क्या था हमारे पास? जो भी फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्टली आपके पास सेंस कर रहा है, डायरेक्टली सेंस कर रहा है। द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट मेक्स इट फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। मीन्स दिस स्टेज इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द फिजिकल क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट। सिमिलरली इन केस ऑफ अगर हम थर्मामीटर की बात करते हैं, हमने नॉर्मल एक थर्मामीटर लिया था, तो थर्मामीटर में आपके पास डायरेक्टली ये किससे कॉन्टेक्ट रहता है? टेम्परेचर से। ठीक है, टेम्परेचर से तो सेंसर, प्राइमरी सेंसर क्या है बेसिकली? डायरेक्टली फिजिकल क्वांटिटी से कॉन्टेक्ट में रहेगा। नेक्स्ट इज अ डेटा कन्वर्जन एलिमेंट। डेटा कन्वर्जन एलिमेंट का क्या रोल है? डेटा कन्वर्जन एलिमेंट में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं। जैसे पॉसिबल है कि वोल्टेज टू एनालॉग, वोल्टेज टू करंट भी कन्वर्ट हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल मैंने अभी डिस्कस ही किया है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी हम यूज़ करते हैं। बेसिकली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम डेटा कन्वर्जन एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज अ डेटा मैनिपुलेशन एलिमेंट। डेटा मैनिपुलेशन एलिमेंट में पॉसिबिलिटी क्या थी? डेटा मैनिपुलेशन, सपोज आपको डेटा को एम्पलीफाई करना है, या अटेन्यूएट करना है, या फिल्टरिंग प्रोसेस अप्लाई करना है, या मॉड्यूलेशन करना है, और भी जो भी टेक्निक्स हैं वो आपको अप्लाई करनी है, विच इज कम्स अंडर द डेटा मैनिपुलेशन एलिमेंट, राइट? नेक्स्ट इज अ डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट। डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट मीन्स सपोज आपको डेटा को मिड में कहीं ट्रांसमिट करना है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, विद द हेल्प ऑफ केबल्स, ट्रांसमिशन लाइंस। ठीक है,
आप डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट बेसिकली क्या करेगा, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे डेटा को ट्रांसमिट करेगा। एंड फोर्थ वन इज़ अ एंड लास्ट वन इज़ अ डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट मीन्स सपोज किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपके पास आपको आउटपुट को प्रेजेंट करना है, शो करना है, तो आपके पास एक एलिमेंट होगा डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। सपोज इन केस ऑफ नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल थर्मामीटर की यहाँ बात करता हूँ, तो नॉर्मल थर्मामीटर में आप नोटिस करेंगे कि डेटा को प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर एक कैलिब्रेटेड स्केल होता है। दिस इज़ अ डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट इन दैट थर्मामीटर, राइट। अगर मैं डिजिटल थर्मामीटर की बात करता हूँ, तो यहाँ पर एक क्या होता है, एक डिस्प्ले होती है। तो दिस इज़ अ डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट इन डिजिटल थर्मामीटर, राइट। तो वॉट इज इंस्ट्रूमेंट, अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी, राइट, एज सेड बाय द नील। देन वॉट इज इंस्ट्रूमेंटेशन, एनी वन, वॉट इज इंस्ट्रूमेंटेशन? अनुजा, मुस्कान, सर, टू मेजर लाइक डिफरेंट क्वांटिटीज वील गेट डिफरेंट क्वांटिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स. व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटेशन? कंटिन्यूअसली मेजरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी. नो, एनीवन? अनिल? नो सर, नहीं पता सर. बेसिकली इंस्ट्रूमेंट की आपको डेफिनेशन क्लियर है, ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी। बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन इज एन इंजीनियरिंग विच डील्स विद इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट इज एन इंजीनियरिंग विच डील्स विद इंस्ट्रूमेंट। तो जब भी आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, राइट। देन व्हाट इज एक्यूरेसी? अगर इंस्ट्रूमेंट की अगर बात कर रहे हैं, तो एक्यूरेसी टर्म आएगी। व्हाट इज एक्यूरेसी? अभी मैंने आपको दो क्वेश्चन एक डिस्कस कर लिए, फर्स्ट की सेंसर और ट्रांसड्यूसर में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस एक और पूछा जाता है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में डिफरेंस पूछा जाता है। व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसीजन? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एक्यूरेसी? मुस्कान, नील, क्या होती है एक्यूरेसी? सर, द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ ए मेजरमेंट कंपेयर टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू. डिग्री ऑफ, डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस. एग्जैक्टनेस, राइट। तो बेसिकली अगर सपोज आपके पास एग्जैक्टनेस, किससे हम मेज़र करेंगे, ट्रू वैल्यू। अगर आपको ट्रू वैल्यू क्लियर है, ट्रू वैल्यू, और आपने इंस्ट्रूमेंट से वैल्यू की है मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू क्लियर है, तो अगर मेजर्ड वैल्यू जितनी ट्रू वैल्यू के क्लोजनेस है या एग्जैक्ट है, तो वो आपकी क्या शो करेगी, एक्यूरेसी। एंड व्हाट इज प्रिसीजन? प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन, अनुजा, नील, सर, एनी माइन्यूट करेक्शन इन एक्यूरेसी. नो, नील, सर, अ मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी. मेजर ऑफ, राइट, बेसिकली मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी, और वी कैन से दैट रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। कंसिस्टेंसी मतलब भी आपने क्या वर्ड यूज़ किया, बेसिकली कोई भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, कुछ भी मेजर कर रहे हैं, आपने यहाँ इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आपने क्वांटिटी मेजर किया,
और सपोज वो आपके पास हर बार आपके पास सपोज इसने वैल्यू दिया 93 डिग्री सपोज, राइट, फिर से आपने अगेन आपने उसी इंस्ट्रूमेंट से आपने फिर से मेज़र किया, देन उसने वैल्यू क्या दी 93 डिग्री, देन अगेन आपने उससे उसी क्वांटिटी को मेज़र किया तो आपने क्या वैल्यू दी उसने 93 डिग्री. दिस इज़ अ हाईली प्रिसाइज सिस्टम, बेसिकली रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द आउटपुट. अगर ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ द आउटपुट, अगर कंसिस्ट है आपका आउटपुट तो हम उस इंस्ट्रूमेंट को बोलेंगे हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, राइट. बट इन केस ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, सपोज हमें इस टेम्परेचर की ट्रू वैल्यू पता है 95 डिग्री, ठीक है, तो और हम देखेंगे कि हमने जो मेज़र करके क्या दे रहा है वो 93, तो हमारी क्या एक्यूरेसी कितनी हुई, एक्यूरेसी कैसे निकाल सकते हैं, 93/95, ठीक है, कितना एक्यूरेट है सिस्टम, ठीक है. तो इस तरीके से बेसिकली हमने टू डिग्री के अकॉर्डिंग नियर अबाउट आपके ये एरर शो कर रहा है, राइट. तो इस तरीके से हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफाइन कर सकते हैं. तो ये एक्यूरेसी बताया, क्या बताइए आपने, मेजर्ड वैल्यू क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, और प्रिसीजन इज द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द आउटपुट. अगर सपोज किसी आपने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज उस फिजिकल क्वांटिटी की मैं कह रहा हूँ कि ट्रू वैल्यू है सपोज 5, राइट, तो हम अगर इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया, हमने उसकी वैल्यू शो आई, फर्स्ट हमने आइट्रेशन में उसकी वैल्यू आ गई 2, नेक्स्ट टाइम हमने उसी इंस्ट्रूमेंट से सेकंड आइट्रेशन में उसकी वैल्यू क्या आ गई 3, थर्ड टाइम सेम इंस्ट्रूमेंट हमने अप्लाई किया, देन वैल्यू आ गई आपके पास 4, तो आपके पास रिप्रोड्यूसिबिलिटी कैपेबिलिटी क्या है, लेस है, तो इट मींस इट इज़ अ लेस प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट. अनुजा क्लियर हुआ, अनुजा? यस सर. ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आप इस टाइप से बता सकते हैं. नेक्स्ट हम इसमें लिखा है, हमने डेफिनेशन हमने क्लियर लिखी है, मेंशन किया है. एक्यूरेसी इज डिफाइंड इज द क्लोजनेस एज द क्लोजनेस विद विच एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेज द ट्रू वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बीइंग मेजर्ड. ठीक है, ट्रू वैल्यू के जितना नियर अबाउट होगा उतनी एक्यूरेट होगा सिस्टम. एंड प्रिसीजन इज अ मेजर ऑफ द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट, दैट इज गिव अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल. प्रिसीजन इज अ मेजर ऑफ डिग्री टू विच सक्सेसिव मेजरमेंट डिफर फ्रॉम वन अनदर, राइट. नोट, ये आप पॉइंट नोट कर सकते हैं, द हाई प्रिसीजन डज नॉट मीन हाई एक्यूरेसी. जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, सपोज हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, हमने फिजिकल क्वांटिटी, सपोज किसी की फिजिकल क्वांटिटी 10 है, हमने उसको इंस्ट्रूमेंट से उसको मेज़र किया, इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया, तो अगर उसकी वैल्यू आ रही है सपोज 3, ठीक है, फिर से हमने उसी इंस्ट्रूमेंट से सेकंड आइट्रेशन दोबारा से मेज़र किया, वैल्यू कितनी आ रही है 3, देन हमें थर्ड आइट्रेशन यूज़ किया, इंस्ट्रूमेंट सेम इंस्ट्रूमेंट अप्लाई किया, इनपुट दिया, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र किया, वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो इट मीन्स दिस इज़ अ हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट बट नॉट एक्यूरेट बिकॉज इट्स वैल्यू इज 10 एंड इट्स आउटपुट इज 3. एक्यूरेट नहीं है, हाईली एक्यूरेट नहीं है, बट हाईली प्रिसाइज है. तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, द हाईली The highly precision does not mean high accuracy. A highly precise instrument can be inaccurate, जो कि हमने एक example से आपको show कर दिया. Possibility है कि आपके पास highly precise system आपके पास inaccurate हो सकता है, लेकिन अगर कोई भी highly accurate और highly precise system है, that is a best measurement system. Clear हुआ? Highly precision और आपके पास, ठीक है. Next is a repeatability. Repeatability means इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ द रीडिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ रीडिंग. अभी आपके पास अभी एक हमने वर्ड यूज किया रिप्रोड्यूसिबिलिटी.
रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब कि आपके पास जो आउटपुट है वो बार बार आपके पास कांस्टेंट आ रहा है. सपोज आपके पास यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी मेजर किया इंस्ट्रूमेंट से और वैल्यू आ रही है 3, जो भी आपके पास 10, तो ये क्या कर रहा था, बार बार आपको रिप्रोड्यूस होके क्या दे रहा है वैल्यू, सपोज 3. दिस इज अ रिप्रोड्यूसिबिलिटी. अगर मैं रिपीटेबिलिटी की बात करता हूँ, रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या था कि आपका गिवन सेट्स इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ द रीडिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ रीडिंग. मीन्स क्या है कि हमने रिपीटेबिलिटी की बात कर रहे हैं. रिपीटेबिलिटी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसकी वैल्यू है 10, हमने इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया फर्स्ट, उसकी वैल्यू क्या आ गई 2. ठीक है, नेक्स्ट हमने सेम इंस्ट्रूमेंट से फिर से मेजर किया सेकेंड आइट्रेशन में, तो वैल्यू क्या आ गई 3. नेक्स्ट हमने मेजरमेंट किया इंस्ट्रूमेंट से, देन वैल्यू आ गई 3, 4, राइट. फिर हमने इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, फिर क्या आ गया 2, देन 3, देन 4. बेसिकली 2, 3, 4 इज अ सेट ऑफ वैल्यू. सपोज हमेशा इन सेट ऑफ वैल्यू में से कोई भी आपको वैल्यू रिपीट करके दे रहा है, 2 दे रहा है या 3 दे रहा है या 4 दे रहा है, फिर से अगेन 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, 4 दे रहा है. तो बेसिकली सेट ऑफ वैल्यू में से आपको आउटपुट दे रहा है. दिट इज इट मीन्स तो क्लियर हुआ, रिपीटेबिलिटी क्लियर हुआ यहाँ पर. नील, यस सर. ठीक है, तो बेसिकली ये कंप्लीट जो आपके पास सब्जेक्ट है थियोरेटिकल सब्जेक्ट है. ठीक है, 70-80% थियोरेटिकल सब्जेक्ट है. बस आपको टर्मिनोलॉजी अगर क्लियर है तो आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो वन बाय वन हम टर्मिनोलॉजी क्लियर करते रहेंगे. और 30% ये 20-30% ये न्यूमेरिकल बेस्ड है. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एरर डिस्कस करेंगे. अभी यहीं क्लोज करते हैं सेशन को. अभी नेटवर्क इशू था आज. ठीक है, अभी अटेंडेंस के लिए आप लोग चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए और आप लीव कर सकते हैं फिर मीटिंग. After attendance, you can leave the meeting.